कहते हुए तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब हमारा आयरन मैन इस दुनिया में नहीं रहा। टोनी स्टार्क, जिसने पूरी दुनिया को सुपर हीरो का असली मतलब समझाया, वो अब हम सबको अलविदा कह चुका है। लेकिन क्या आयरन मैन सच में मर गया है? अगर हाँ, तो क्यों आयरन मैन को ही अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है? या फिर अगला आयरन मैन कौन होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, इसीलिए आज हम आयरन मैन की डेथ और उसके फ्यूचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है रोज धन। ये एक आर्टिकल रीडिंग ऐप है। यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और सबसे खास बात यह है कि इस ऐप से आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। इसे डाउनलोड करते ही आपको डायरेक्ट 25 रुपये मिल जाएंगे, और अगर आप अर्न मनी में जाकर मेरा इनवाइट कोड अप्लाई करते हैं तो आपको दोबारा 25 रुपये मिलेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके भी पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां आर्टिकल्स शेयर करके और डेली चेक इन करके कॉइन जमा कर सकते हैं, जिसे आप बाद में रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका बैलेंस 200 रुपये होगा तो आप इन पैसों को पेटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। इस ऐप की डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन, जिसने कई बार दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, इस बार उसने पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों आयरन मैन को ही अपनी जान गंवानी पड़ी? जहां इतने सारे हीरोज थे जो कि बिना अपनी जान गंवाए भी ये काम कर सकते थे, तो फिर आयरन मैन को ही ये कीमत क्यों चुकानी पड़ी? इसका जवाब है डॉक्टर स्ट्रेंज। इन्फिनिटी वॉर में जब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइटन पर पहुंचे, तब उन्होंने टाइम स्टोन का यूज करके भविष्य देखा, जिससे उन्हें ये पता चला कि थैनोस को हराना लगभग नामुमकिन है और उसे हराने के लिए आयरन मैन का मरना जरूरी है। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा पहले टाइम स्टोन का यूज करते तो फ्यूचर कुछ और होता और शायद आयरन मैन को मरने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने जब टाइम स्टोन का यूज किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और थैनोस के जीतने के चांस बढ़ गए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज से जब सबने ये पूछा कि उन्होंने फ्यूचर में क्या देखा, तो उन्होंने बताने से मना कर दिया, क्योंकि अगर वो टोनी को ये बता देते कि उसका मरना जरूरी है तो टोनी घबरा जाता और कोई गड़बड़ हो जाती जिससे थैनोस जीत जाता। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने सही वक्त आने पर आयरन मैन को एक इशारा कर दिया। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को इशारा नहीं करते तो थैनोस चुटकी बजा देता और पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता। पर डॉक्टर स्ट्रेंज का इशारा मिलते ही टोनी को ये समझ में आ गया कि अब सही मौका आ चुका है, और तब वो तुरंत ही थैनोस के पास पहुंचा और उससे वो गाउंटलेट छीनने लगा। लेकिन जब थैनोस के हाथ से गाउंटलेट निकल नहीं पाया, तब टोनी ने अपने आर्मर की हेल्प से उस गाउंटलेट के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स निकाल लिए और अपने नैनोटेक आर्मर से एक नया गाउंटलेट बनाकर उसमें सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लगा दिए। 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ असेंबल करते ही टोनी की हालत खराब होना शुरू हो गई। उसके आर्मर का राइट साइड बुरी तरह जलना चालू हो गया। टोनी ये जानता था कि अगर वो इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके चुटकी बजाएगा तो वो बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसने चुटकी बजाई, जिससे थैनोस और उसकी आर्मी धूल बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आयरन मैन के अलावा किसी और ने ये काम क्यों नहीं किया। इसका रीजन ये है कि हल्क उस वक्त पहले से ही बहुत घायल था। अगर वो दूसरी बार गाउंटलेट का यूज करता तो थैनोस को मारने से पहले शायद वो खुद ही मर जाता। थॉर की हालत भी तब बहुत खराब थी, और सबसे खास बात ये कि उस वक्त टोनी ही थैनोस के सबसे पास खड़ा था, और आयरन मैन के पास ही ऐसा आर्मर था जो कि उस गाउंटलेट से इन्फिनिटी स्टोन्स निकालकर एक नया गाउंटलेट बना सकता था। इसीलिए ये काम तो आयरन मैन को ही करना था। चुटकी बजाने के बाद टोनी बिल्कुल अधमरा हो गया। वो सिर्फ अपने आर्मर की वजह से ही उन स्टोन्स की पावर को बर्दाश्त कर पा रहा था, लेकिन चुटकी बजाने के बाद उसकी बॉडी और उसका आर्मर बुरी तरह डैमेज हो गए। जब तक उसका आर्क रिएक्टर चालू था तब तक उसका आर्मर थोड़ा बहुत काम कर रहा था और वो जिंदा था, लेकिन जैसे ही वो आर्क रिएक्टर बंद हुआ वैसे ही टोनी की जान निकल गई। अब सवाल आता है कि आयरन मैन को इन्फिनिटी स्टोन से जिंदा क्यों नहीं किया गया, जैसे सभी धूल बने हुए लोगों को जिंदा किया गया था। इसका जवाब ये है कि इन्फिनिटी स्टोन से उन लोगों को ही वापस लाया जा सकता है जिन्हें इन्फिनिटी स्टोन से मारा गया हो। इसीलिए जब हल्क ने चुटकी बजाई थी तब ब्लैक विडो, गमोरा और विजन जैसे लोग वापस नहीं आ पाए, क्योंकि उनकी डेथ अलग तरीके से हुई थी। इसीलिए आयरन मैन को इन्फिनिटी स्टोन से जिंदा करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसे टाइम स्टोन से जिंदा किया जा सकता था, जैसे थैनोस ने विजन को जिंदा किया था। पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर टोनी को टाइम स्टोन से जिंदा किया गया तो उसके साथ साथ थैनोस और उसकी आर्मी भी वापस जिंदा हो जाएंगी, क्योंकि आयरन मैन और थैनोस की डेथ आपस में जुड़ी हुई है। इसीलिए अब ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि टोनी स्टार्क हमेशा के लिए मर चुका है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या अब कोई और आयरन मैन का आर्मर पहनकर उसकी जगह लेगा या नहीं। काफी टाइम से ये कहा जा रहा है कि अगला आयरन मैन वो लड़का बन सकता है जिसे हमने आयरन मैन 3 में देखा था। हार्ले कीनर नाम का वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है, और एवेंजर्स एंडगेम में वो टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में भी शामिल था।
इतने टाइम बाद अचानक उस कैरेक्टर का सामने आना कोई मामूली बात तो हो नहीं सकती। इसीलिए हो सकता है कि हार्ले कीनर ही नया आयरन मैन बने, और उसका एक अच्छा रीजन भी है। जैसा कि हम आयरन मैन 3 में देख चुके हैं कि हार्ले बहुत ही जीनियस है, अगर वो आयरन मैन बनता है तो वो काफी लंबे टाइम तक इस कैरेक्टर को प्ले कर सकता है, क्योंकि हार्ले अभी काफी यंग है। तो दोस्तों, ये थी आयरन मैन की डेथ के बारे में एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।